मॉर्निंग इंडिया, टुडे 17th of August 2021. मी शिवदी एंड अनिल, वी हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ब यूरोप्स हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस. इस कोरोना काल में जो धरती पर हमने भगवान देखा वो था डॉक्टर्स में, और अभी मैं जिनके साथ हूँ, मैं उन्हें डॉक्टर कहूँ या माउंटेनर कहूँ, शायद ये अब वही बता सकती हैं. जी हाँ, हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर शिप्ति शारदा, जिन्होंने कह सकते हैं यूरोप के सबसे हाईएस्ट पीक पर फतेह किया है, वहाँ पर अपना तिरंगा फहराया है. तो शिप्ति मैम, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस आपको समाचार प्लस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी इसके लिए कि इंडिया का फ्लैग आपने वहाँ पर रखा, और झारखंड की तरफ से मुझे लगता है कि आप अपने टीम में इकलौती थी और वहाँ पर अपने आप को, खुद को आपने रिप्रेजेंट किया. धन्यवाद, थैंक्स अलॉट. मैं डॉक्टर शिप्ति श्रद्धा सिंह हूँ. मैं पेशे से डॉक्टर हूँ. जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं वो दोनों ही तरफ मेरा रुझान रहा है, डॉक्टर तो मैं हूँ ही, लेकिन अभी पर्वतारोहण में काफ़ी मेरा शौक रहा था, अब ये एक पैशन बन गया है और मैं इसमें आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी. क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल ही इसी से रहेगा, ये जो आपने अभी जो करंट ये जो पीक अपना वहाँ पर फ्लैग वहाँ पर होस्ट किया, इसका एक्सपीरियंस कैसा था एल्ब्रुस का? एल्ब्रुस का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी रोमांचक रहा था, काफ़ी थ्रिल भरा रहा था, क्योंकि एक नए देश में, अपने देश से बहुत जिसका ज्योग्राफिकल रीजन अलग है, सारे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग रहते हैं, लोग अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, तो सिर्फ पहाड़ की चुनौती नहीं थी, चुनौतियाँ काफ़ी सारी जगह में थी. ये सारी जगह में हम लोग काफ़ी बाधाएं मिली, लेकिन हमें खुशी है कि हमने वो सब पूरी करते हुए, बाधाएं पार करते हुए, हमने अल्टीमेटली जिस मकसद के साथ हम गए थे वो मकसद पूरा करते हुए हमने 17 अगस्त को चढ़ाई पूरी करके समिट पे पहुँचे थे. तो आपका जो एम था वो था कि जो 75th इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उस दिन वहाँ पर आप तिरंगा लहराएं, लेकिन किसी कारण के वजह से वो डिले हो गया, तो उस समय क्या हुआ था? हमारा प्लान था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हम 15 अगस्त के दिन हम चोटी पे पहुँचे और तिरंगा लहराए, और हमने उस अनुसार 14 अगस्त की रात को हमने चढ़ाई शुरू भी की थी. चढ़ाई रात को 2 बजे स्टार्ट भी किया था. उस समय से ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे पहुंचते गए बर्फबारी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी एकदम कम हो गया था, वाइट आउट जैसे कहते, उससे हम 10 मीटर की दूरी तक की भी विजिबिलिटी नहीं रही थी. तो ऐसे में रिस्क काफ़ी रहता है, और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, बोला जाए तो मौसम इस चढ़ाई के अनुकूल नहीं था. हमें उस समय काफ़ी लोग फिर नीचे भी उतरने लगे थे, काफ़ी रिस्क बढ़ा हुआ था, तो हमें उस समय 5,100 मीटर की हाइट से वापस बेस कैंप आना पड़ा था, और फिर हमने 16 अगस्त की रात को बेस कैंप से फिर से दोबारा चढ़ाई शुरू की थी. सब चीज़ों को कह सकते हैं पार करके आप वहाँ पर पहुँच गए, और ये पीक तक पहुँच भी गए एल्ब्रुस के, तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि किसी भी माउंटेनर से ये एक सवाल ज़रूर मन में आता है कि जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वहाँ तक क्या आप सोचती हैं? बिल्कुल भी एकदम, मतलब वो तो सबका सपना रहता है, हर एक माउंटेनर का सपना रहता है कि सागर माता के तक हम पहुँच सके, और 7 समिट्स भी एक काफ़ी गर्व की बात होती है. 7 समिट्स करना हर एक पर्वतारोही का एक सपना होता है, कि जो 7 समिट्स से 7 महाद्वीपों के, हर एक महाद्वीप के जो सबसे ऊंची शिखर है उसके पीक के कलेक्शन को बोला जाता है 7 समिट्स. तो वो 7 समिट्स करना हर एक पर्वतारोही के लिए काफ़ी गर्व का चीज़ है, और ये हर एक का सपना रहता है. तो हम भी चाहते हैं कि 7 समिट्स में से बाकी के जो 6 चोटियां हैं वो सब में हम जाकर तिरंगा लहरा सकें. क्या कोई ऐसा टारगेट रखा आपने, मतलब लाइक इस टाइम में मुझे इस पीक पर पहुंच जाना? अभी फ़िलहाल तो एक एक करके जा रहे हैं, तो ये वाली अभी हुई है, अभी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट बोल सकते हो आप, वो माउंट किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, तो हमारी उसकी तैयारी चल रही है. और पैंडमिक ऐसी सिचुएशन है कि 24 घंटे भी शायद एक डॉक्टर के लिए कम पड़ जाए,
तो ये दोनों प्रोफेशंस को हैंडल करना, ये आप कैसे कर रही? ये भी काफ़ी चैलेंज, ये अपने आप में ही एक चुनौती है कि मुझे दोनों तरफ में ही ध्यान देना, एक समान ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी पैंडमिक के समय में ही मेरी कोविड के आईसीयूज़ में मैं ड्यूटी करते आ रही थी, उस समय भी मुझे ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ जो हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ है उसके साथ साथ अपनी तैयारी, खुद की तैयारी भी, पर्सनल जो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करना पड़ रहा था। जो कि हाँ, समय जितना भी मेरे पास बढ़ता है रहता है वो यूजली यही दोनों चीज़ों में बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि एक तो जैसे आप झारखंड से आई हैं और आप जा भी रही हैं इस फील्ड में आगे, और साथ ही साथ जो झारखंड के और भी लोग हैं, यूथ है जो शायद इसमें इंटरेस्टेड हो, उसको भी आगे आने की सोच रखती हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हम कि आपने हमारे साथ बात की, और कह सकते हैं झारखंड ही नहीं इंडिया का जो नाम है आप रोशन कर रही हैं। तो ये थी हमारे साथ माउंटेनर एंड डॉक्टर शिप्ति शारदा जी, जिन्होंने हमारे साथ बात की और कई सारी चीज़ें माउंटेनियरिंग से बताई। और जो लोग शायद शौक़ रखते हैं और मन में ये रहता है कि ये प्रोफेशन हम कुछ और कर रहे हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल ना हो पाए, तो ये एक एग्जांपल बनकर आपके सामने खड़ी होती हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते जो कि एक काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बाद भी अपने पैशन को, आपके अंदर जो जुनून है अगर किसी चीज़ को करने का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। टुडे 17th of August 2021, मी शिप्ति एंड अनिल, वी हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ब यूरोप्स हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।